अपनी 6 सूत्रीय मांग को लेकर राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन ने शनिवार को मोहद्दीपुर स्थित विद्युत महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष उपवास रखा, जिसका नेतृत्व इंजीनियर अजय कुमार ने किया। उपवास दे रहे जूनियर इंजीनियरों का कहना है था कि पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल किया जाए, पे ग्रेड बढ़ाया जाए, संसाधनों और कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे विद्युत विभाग को बचाया जाए। इस अवसर पर जूनियर इंजीनियर संगठन से सचिव अक्षय लाल, पुनीत कुमार निगम, नीरज दुबे, आरके सिंह, सुनील यादव, मृत्युंजय शर्मा, मोतीलाल नागेंद्र नाथ सहित अन्य जूनियर इंजीनियर मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संगठन के अध्यक्ष इंजीनियर अजय कुमार ने कहा, कुछ लोग हमारे नेता जिंदाबाद, जिंदाबाद, हमारे साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद, लंदन हाउस में आओ, लंदन हाउस में आओ, ये मनमानी बंद करो, ये मनमानी नहीं चले तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। हमारी 12 सूत्रीय मांगे हैं। हमारा केंद्रीय नेतृत्व लखनऊ में चेयरमैन को अपनी मांग कई बार प्रस्तुत कर चुका है, इस पर कई बार सहमति भी बनी, लेकिन प्रबंधन सिर्फ लालीपाप दिखा करके काम कराना चाहता है और काम भी बिना व्यवस्था के कराना चाहता है। व्यवस्थाएं कुछ नहीं हैं, काम दिन भर की और उल्टी सीधी आदेश रोज के रोज किए जा रहे हैं। तमाम तरह की दुर्घटनाएँ हो रही हैं, कर्मचारियों की भर्ती नहीं हो रही है, बाहर से कर्मचारियों को ले आ करके प्राइवेट भर्ती किया जा रहा है, जिनसे न कोई जानकारी है न कोई टेक्निकल ज्ञान है। इसकी वजह से रोज़ दुर्घटनाएं हो रही हैं, सामान की कोई व्यवस्था नहीं है, 24 घंटा बिजली देने की ये मतलब दबाव बनाया जा रहा है, इसीलिए ये सब हम लोग कर रहे हैं। ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व का आह्वान है। ये हमारे चरण का 15 तारीख से शुरू हुआ आंदोलन और 15 तारीख से हम लोग रोज़ 5 से 6 बजे तक ये इनके यहाँ ध्यानाकर्षण कर रहे थे। हर ज़िले में ये हो रहा है। उसके बाद आज 22 तारीख को 24 घंटे का हमारा उपवास कार्यक्रम है, जिसमें ज़िले भर के सारे जेई और प्रोन्नत अभियंता बैठे हुए हैं। इसके बाद हमारा 27 तारीख को है, जिसमें चारों ज़िले के लोग इस जोन पे आएंगे और जोन पे चारों ज़िले के लोग एक साथ 48 घंटे भूख हड़ताल पर रहेंगे। उसके बाद हमारा अंतिम है 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को हमारा 48 घंटे का प्रोग्राम सभी कंपनियों पे है। जैसे यहाँ की कंपनी बनारस है तो बनारस में हमारे 21 ज़िले के सभी लोग वहीं जाएंगे, 48 घंटे तक ये सामूहिक उपवास करेंगे। संसाधनों की कमी है, पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग है, हमारे कुछ वेतन विसंगतियाँ हैं उनकी मांग है, कुल 12 सूत्री मांग है। वो हमारा बोर्ड लगा हुआ है, उसका आप फोटो ले लेंगे तो उसमें मिल जाएगा। संविदा पे कर्मचारी या लाइनमैन रखे जाते हैं, क्या कर्मचारियों की भी कमी है? बहुत ज़्यादा कमी है। जितने उपभोक्ता बढ़ते जा रहे हैं उसके अनुपात में कर्मचारियों की कोई व्यवस्था नहीं है। रात दिन हमारे लोग किसी तरह से काम चला रहे हैं, बस जुगाड़ से काम चला रहे हैं और तमाम तनाव में लोग बीमार पड़ रहे हैं, तमाम विद्युत सुरक्षा उपकरणों के बिना काम कर रहे हैं, इसलिए लोगों की दुर्घटनाएं में मौत हो रही है, लेकिन प्रबंधन को इसका कोई ख्याल नहीं।